ने उच्च न्यायालय द्वारा जिला प्रशासन को यह हिदायत दी गई थी, इशुली ने मेले के दौरान किसी भी तरह से थर्मोकोल का उपयोग नहीं किया जाएगा। यह हिदायत इसलिए दी गई थी ताकि हिमाचल के पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद भी शूलिनी मेले में थर्मोकोल की प्लेटों और गिलासों को धड़ल्ले से उपयोग किया गया और न्यायालय के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। सारा जिला प्रशासन थोड़ो मैदान में मौजूद था। खेल मंत्री गोविंद ठाकुर भी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे, लेकिन सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठाने में मशरूफ थे। यही कारण रहा कि खाने के विभिन्न स्टॉलों पर थर्मोकोल का खुल्लम खुल्ला उपयोग होता रहा। थर्मोकोल को उपयोग में ला रहे दुकानदारों से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने आप को इस नियम से ही अनभिज्ञ बताया और कहा कि जिला प्रशासन ने उन्हें थर्मोकोल का उपयोग न लाने की कोई हिदायत या जानकारी प्रदान नहीं की। वहीं जब इस बारे में खेल मंत्री गोविंद ठाकुर से शूलिनी मेले के दौरान उपयोग में लाई जा रही थर्मोकोल और प्लास्टिक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उनकी सरकार हिमाचल को थर्मोकोल और पॉलीथीन फ्री बनाने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन ये चमत्कार रातों रात नहीं हो सकता, इसलिए धीरे धीरे नियंत्रित किया जा सकता है, जिसके लिए जिला प्रशासन और सरकार दोनों मिलकर प्रयास कर रहे हैं। विगत 13 वर्षों से सुलनी माता मेले में प्रतिभाग कर रहे हैं। यहाँ पे हम प्याज कचौरी, दाल बाटी चूरमा, बीकानेरी जलेबी, इस तरह की राजस्थानी जो व्यंजन है, चाट वगैरह, वो लोग हम लोग सर्व करते हैं। यहाँ के लोगों को बहुत ही पसंद करते हैं। हम लोग दरअसल पंजाब में एक प्रोग्राम करके आ रहे थे तो वहाँ से जो बचा हुआ था वो डिस्पोजल हम ले आए, यहाँ किसी ने नहीं मना किया। थर्माकोल के लिए नहीं बोला गया, प्लास्टिक के लिए। सोलन से अमरप्रीत। यू आर वॉचिंग न्यूज इंडिया लाइव टीवी। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।